मैं तो चाहूंगा कि मेरे पास आ जाए, मैं इतने बड़े लीडर कहाँ से मिलेंगे। तो क्या माने कुछ, लेकिन वो अपनी पार्टी में है, जहाँ वो है वही है, वही है। अभी मैं अनुमान नहीं लगा सकता। वैसे आपने 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 न्योता दिया है अपनी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल चाहता हूँ कि किठेरे जम्मू किठा रहे। आप सर कई बार बोल चुके हैं कि भाई सारे लीडर्स को जो जम्मू के उनको एक प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए, क्या उसी की पहल के लिए आप यहाँ आए? मैं तो कई बार ऐसी पहले कर चुका हूँ, कोशिश है कि जम्मू किठा रहे। चौधरी साहब, एक शुरुआत हुई थी जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर, राणा शुरुआत की थी, उस पर भी आपकी बातचीत हुई है और उसी को लेकर आगे बात बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जम्मू ठीक करना पड़ेगा, जम्मू को ही साथ। राणा साहब का क्या जवाब था? राणा साहब भी चाहते हैं कि जम्मू। क्या इशारा सर, अगर अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि आप ही पहले उसी पार्टी में थे, क्या ये सही डिसीजन होगा राणा साहब का? बिल्कुल नहीं। गलत इसलिए होगा कि आप बेहतर जानते हैं कि आप जब आपने ट्राइफर्केशन की बात करी थी कि जम्मू अलग स्टेट बनाई जाएगी, तो क्यों नहीं बनाई आपने? लद्दाख को यूटी बना के उनके सारे मसले आपने हल कर दिए, जम्मू को फिर टोचन क्यों किया कश्मीर के साथ? ये इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कश्मीर के लोगों ने आपके सामने ही कह दिया कि मुसलमान किट्ठे हो जाओ, ऐसी थोड़ी बात है। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किट्ठे की बात करना चाहते हैं, हम डिवाइड ही होने देना चाहेंगे। और कोई भी डिवीज़न करेगा तो इसका मतलब किसी को फ़ायदा देने की बात है ना, किसी और को फायदा देने की बात है। फिर सर, अगर अगर सर बीजेपी के पास चाहे आप थे या राणा साहब आते हैं, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि उनके जो काम उन्होंने गलत किए हैं, लोगों में उनकी जो छवि गिरती जा रही है, आप लोगों के आने की वजह से बीजेपी फिर खड़ी, मतलब वो तो खुश हो रहे हैं। मतलब देखो सर, गल ये है कि ये तो सिंपल सी बात है, ये तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मुझे तो मेरी सिद्ध ऐसी बात हुई नहीं। सर अगर कभी ऐसी बात हो या ऐसा नहीं होता तो क्या रहेगा आपका? आई एम सॉरी, आपने कहा मैं चाहता हूँ कि वो आए, तो उन्होंने क्या कहा कि वो किधर जाओ? इशारा आपकी पार्टी, आप चाहते हैं आपकी पार्टी में वो आए? नहीं नहीं, मेरी अभी पार्टी बात नहीं, अभी हमने बैठना है, दो चार बैठ बैठेंगे मीटिंग। खड़खड़ाना चाहिए चौधरी साहब, क्या पॉलिटिकल इंपावरमेंट है जम्मू? अगर अगर बीजेपी में जाते हैं तो वो गलत डिसीजन होगा इनका? जम्मू की पावर जो है वो तभी हो सकती है कि जब जम्मू यूनाइट है इसके। हाँ जी, ये तुसी इंदे ने और बाकी इंदे ने पूछ रहे हैं। बीजेपी में जाना डिसीजन गलत होगा? चौधरी साहब, ये मान के चले कि जो जम्मू डिक्लेरेशन की बात सामने आ रही है, उसी को लेकर आप लोगों की बातचीत आगे बढ़ रही है और उसी को लेकर गलत राणा साहब का गलत डिसीजन होगा ऐसा कहना है चौधरी लाल सिंह का। और चौधरी लाल सिंह दविंदर राणा से मिलकर आए हैं और कई सारे सवाल। मेहमान आए हुए हैं और तो पूरी तरह से कई सारी बातें जो हैं वो इस समय चल रही हैं। क्या दविंदर राणा कोई बड़ा पॉलिटिकल स्टेप ले सकते हैं? रिसेंटली अभी कुछ देर पहले ही हमने आपको लाइव दिखाया था और डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के लीडर चौधरी लाल सिंह दविंदर सिंह राणा के घर पहुंचे और यहां पर जो तस्वीरें हैं अभी हम आपको सीधी दविंदर सिंह राणा साहब के घर के बाहर की दिखा रहे हैं। क्या क्या आप चाहते हैं कि वो भी आपके साथ ये लड़ाई लड़े? हम किट्ठे लड़े, हम किट्ठे लड़ना चाहते हैं, अलग क्यों लड़ेंगे? आप इसीलिए आए क्या? बातचीत का नैरेटिव हमेशा सामने आता है, क्या बात सामने आई, कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है? हम आगे
और आपने हमें पकड़ लिया। बड़ी डेवलपमेंट हुई है सर, जानिए माने को बड़ी डेवलपमेंट। तू जाओ जी, मैं नहीं नहीं तू निकलो। तो ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दविंदर सिंह राणा के घर के बाहर की दिखा रहे हैं और रेजिग्नेशन को लेकर भी कई सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। हालांकि तिरंगा इस समय आप जो झंडा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो दविंदर सिंह राणा के घर के बाहर देखेंगे। लेकिन आपने अभी मन बना लिया है सर कि आप इस पद पर नहीं रहेंगे, आपने मन बना लिया अपना? मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, जब भी जो कुछ भी करूंगा आपसे जरूर साझा करूंगा। लेकिन मैं आपको फिर एक बात कह देना चाहता हूं जो मैंने बार बार कही, जहां तक जम्मू के जम्मू डिक्लेरेशन का सवाल है, जम्मू की आकांक्षाओं और भावनाओं का सवाल है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। चौधरी लाल सिंह आपसे मिलने के लिए आए, सुबह सुरेंद्र चौधरी साहब आपसे मिलने के लिए आए थे, लगातार नेताओं का अब इस समय आपके साथ जिस तरह से मुलाकात हो रही है, तो किस मुद्दों पर लेकर बातचीत जो है वो हो रही है? मैंने आपसे पहले भी कहा कि जहाँ तक जम्मू का सवाल है उसके लिए हम हर एक से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कोई भी मेहमान आता है, भाई आता है, दोस्त आता है, वो बिल्कुल उसका खैर मकदम करना मेरा फर्ज है। और जहाँ तक जम्मू के हित का सवाल है, जम्मू के लोगों के हित का सवाल है, उसके लिए मैंने भिक्षु बनकर भाजपा से भी गुजारिश की थी आज से 8-9 महीने पहले, कांग्रेस से भी की थी, पीडीपी से भी की थी, अपना नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी की थी, पैंथर पार्टी हर्षदेव सिंह जी से भी मेरी बात हुई, वो रामनगर हैं, उनका भी फोन आया था। हमने हर एक से बात की है और हर एक से बात करने के लिए हम तैयार हैं ताकि जम्मू का भला हो, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जम्मू का भला तभी हो सकता है जब हम सब लोग जम्मू के लिए अपने अपने सियासी मौके को एक तर्क देकर अलग रखकर जम्मू की आवाज़ के लिए इकट्ठे हो जाएं, जम्मू के लोगों के लिए इकट्ठे हो जाएं और जम्मू की बेहतरी के लिए इकट्ठे हो जाएं। आखिर हम सब लोग जो जम्मू के रहने वाले हैं, जो इस डुग्गर प्रदेश डोगरा प्रदेश के रहने वाले हैं, ख्वाब हम भाजपा के हैं, ख्वाब कांग्रेस के हैं, ख्वाब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, ख्वाब हम अपनी पार्टी है या कोई और पार्टी है या ये अपने लाल सिंह जी की डोगरा स्वाभिमान सभा है, सब लोग जो हैं हम एक बात पे इकट्ठे हो जाएं। और यही नहीं, जो जम्मू के बुद्धिजीवी हैं, जो जम्मू के पढ़े लिखे लोग हैं, जो लोग सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लोग हैं, हम सबको इकट्ठे होकर अपने सियासत को अलग रखकर बालातर रखकर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जम्मू का एक नैरेटिव बनाएं और जम्मू का ऐसा नैरेटिव हो जो जम्मू से निकले, जो बाई जम्मू, फ्रॉम जम्मू, फॉर इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर हो। क्या एतराज है किसी को अगर जम्मू का एक नैरेटिव?